खुद के लिए तो तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट होगी कि वो मुख्तसरन बात करें, फिर बाद में असम्बली चलती रहेगी तो उसमें मुबारकबाद देना हो तो देता रहें। मैं सबसे पहले आपको बिला मुकाबला मुंतखब होने पर स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद यही करता हूँ कि जिस तरह बलूचिस्तान असम्बली की रिवायतें रही हैं उसको मलूज़ खातिर रखते हुए आप असम्बली को इम्पार्शल होके इस सूबे के असम्बली को चलाएंगे और अपनी बहन गजाला गोला को भी अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जब आप नहीं होंगे तो आपकी जगह पर वो बैठी होंगी तो वो भी पार्टी से हट के इस हाउस को जो है इम्पार्शल होके चलाएंगे। और जो हमारी अब तमाम अपोजिशन पार्टी, अगर अपोजिशन ना हो असम्बली में तो असम्बली ही नहीं रहती है। अपोजिशन के भी दोस्तों से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे दिल में उनके लिए वही इज्जत है जो हमारे ट्रेजरी बेचेंस के लिए इज्जत होती है। और उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बलूचिस्तान के जो रिवायत हैं उनको मलूज खातर रखते हुए वो इंशाल्लाह बलूचिस्तान की रिवायत को सामने रखेंगे और असम्बली की कार्रवाई चलाते रहेंगे। इसके साथ साथ मैं सरफराज बुगटी को आज जो इस ऐवान से बारी अक्सरियत से मुंतखब हुए हैं उसको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और अपने जो फैसला हुआ है हमारे चेयरमैन ने फैसला किया है, हमारे पार्टी को चेयरमैन ने फैसला किया है मीर सरफराज बुगटी के हक में, तो हम उसको दिल से तस्लीम करते हैं और कोशिश करेंगे कि उस इस हुकूमत को अपने इत्यादियों के साथ मिलके चलाने की कोशिश करेंगे। और जहां खूबियां होंगी उसकी तारीफ करेंगे और जहां खामियां होंगी वहां साइड में ले जाके मीर सरफराज को बताएंगे कि यहाँ पर आप ये नहीं ये करना है, आपने ये नहीं करना है। और अपोजिशन को मैं अपनी तरफ से ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह हम उनके साथ कोई मुतवाजी जो सलूक होगा वो नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। आप अपोजिशन में बैठे भी आपका राइट है, आप ट्रेजरी बेंचेस पे भी बैठे आपका राइट है, लेकिन जो राइट मेरा है मैं यहाँ पर बैठा हूँ मुंतखब होके आया हूँ, आप भी मुंतखब होके आए हैं, आपका भी वही हक है। और जो हमारी लेडीज़ हैं वो भी जब इस हाल के अंदर आती हैं वही सेनेट हो चाहे असम्बली का वज़ीर आला का वोट हो चाहे कोई और बिल पे कोई वोट हो वो भी उनका भी वही वोट की हैसियत है जो मेरी वोट की हैसियत है, जो वज़ीर आला की वोट की हैसियत है। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपको अपनी बहन गजाला गोला को और सब मीर सरफराज का चूँकि आज हुआ है इलेक्शन उसको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुख्तसर करूँगा क्योंकि हमने फिर बाद में जाना भी है, यहाँ से चेयरमैन साहब हमारे आ रहे हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।